70 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर चीता हवा से बात करेंगे। आपको बता दें, भारत से विलुप्त हो चुका रफ्तार का ये बादशाह अब मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को अपने शक्तिशाली पंजों से नापेगा। ये चीते नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रजातंत्र टीवी बारीकी से सारी तैयारियों को आपको दिखाएगा अपने ग्राउंड जीरो से। और आपको ये भी बता दें, 8 अफ्रीका चीतों को लाने के लिए स्पेशल विमान नामीबिया के हुशिया कोटको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है। तो आपको बता दें, श्योपुर का नाम अब इतिहास के पन्नों पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी का 72वां जन्मदिन वन में होगा। तो आपको बता दें, 17 सितंबर को पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क को 8 चीतों की सौगात देने वाले हैं। और ये दिन श्योपुर के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, और जहां प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर खुद चीतों को जंगल में छोड़ेंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आवागमन की पूरी तैयारी कर ली है। और आपको ये भी बता दें कि प्रजातंत्र टीवी के श्योपुर संवाददाता मुकेश शर्मा ने बारीकी से ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की है। भारत के जंगलों में फिर दौड़ेगी बिग कैट, नया घर तैयार चीते का इंतजार। ठीक 70 साल बाद भारत के जंगलों में सबसे खूबसूरत और सबसे तेज दौड़ने वाली बिग कैट यानी चीता दोबारा दौड़ेगा। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क चीता के स्वागत के लिए तैयार कर लिया गया है। यहां पहले बैच में लगभग 1 दर्जन चीते अफ्रीका से लाए जाएंगे। सदियों से यही इलाका चीतों का घर था और यहीं से दोबारा उन्हें बसाने की शुरुआत की जाएगी। श्योपुर का नाम अब राष्ट्र पटल पर होगा। हम बात ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपना 72वां जन्मदिन दिवस मन में मना रहे हैं, और उसी दिन इस श्योपुर जिले की कूनो सेंचुरी को 8 चीतों की सौगात देने जा रहे हैं। 8 चीतों में से 3 मादा होंगी, 5 नर होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां करीब करीब कर ली गई है, और 17 तारीख को करहाल के अंदर स्व सहायता समूह की 1 लाख महिलाओं की सभा प्रधानमंत्री मोदी लेने जा रहे हैं। समय की बात करें तो नामीबिया विशेष विमान भारत सरकार का चीतों को लेने पहुँच गया है। आज रात्रि 8 से 9 बजे 16 सितंबर को वहां से रवाना होगा, और जो कि रूट पहले जयपुर आना था प्लेन को चीतों को लेकर, उसको अब बदल करके ग्वालियर रख दिया गया है। ग्वालियर में 17 सितंबर को तड़के करीब करीब सुबह 5 से 6 बजे के लमसम वहां पर चीतों को लाया जाएगा, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के 4 घंटे पहले उनको कूनो पालपुर की सेंचुरी में शिफ्ट किया जाएगा। उसके पश्चात 12:05 पर प्रधानमंत्री मोदी 12 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे। 12:05 पर प्रधानमंत्री मोदी चीतों को कूनो सेंचुरी के लिए बाड़े से छोड़ेंगे, और उसी समय से इस श्योपुर का नाम विश्व पटल पर रखा जाएगा। भारत में चीता दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। नामीबिया की चीता कंजर्वेशन फंड की डायरेक्टर डॉक्टर लॉरी मार्कर ने 14 से 17 जून तक कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया और पार्क में चीता को बसाने की तैयारियों का जायजा लिया। ये संगठन अफ्रीका में चीता संरक्षण के लिए काम करता है, और भारत लाए जाने वाले चीते यहीं से लाए जाएंगे। ईरान के बाद चीता सबसे ज्यादा अफ्रीका के कुछ देशों में ही पाया जाता है। लेकिन एक समय था जब भारत में चीता बहुतायत से मिलता था, लेकिन शिकार और घास के मैदानों की कमी की वजह से चीता गायब हो गया। चीतों को प्रशिक्षित करके उन्हें शिकारी कुत्तों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए हजारों चीते पकड़े जाते थे और उनमें से बड़ी संख्या में मर जाते थे।
माना जाता है कि 1948 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने अंतिम तीन चीतों का शिकार पूर्वी मध्य प्रदेश में कर लिया और 1952 में आधिकारिक तौर पर चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया। क्योंकि 70 से 75 वर्षों तक की हम बात करें तो भारत में आज तक चीते देखे नहीं गए हैं। उसका एक कारण है क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम जब चीते होते थे तो कहीं ना कहीं काफ़ी शिकार होता था और उसी को दृष्टिगत रखते हुए धीरे धीरे चीते विलुप्त होते चले गए। और आज हम देखें तो 75 वर्षों से भारत में क्या ऐसे में भी चीते कहीं नज़र नहीं आते हैं। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी सौगात और श्योपुर ज़िले के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी कूनो सेंचुरी को 8 चीतों की सौगात देने जा रहे हैं। इसके बाद में इस श्योपुर ज़िले में काफ़ी रोज़गार बढ़ने की संभावना है और यहाँ पर काफ़ी होटलें खुल जाएंगी जिससे कि यहाँ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी रोज़गार मिलेगा। यहाँ घास के मैदान हैं, पर्याप्त पानी है, घने जंगल और पहाड़ियाँ हैं। कूनो नेशनल पार्क में हिरणों की इतनी बड़ी आबादी है कि आप जिधर भी नज़र दौड़ाएं आपको हिरणों के झुंड नज़र आते हैं। यहाँ 20 से 25 हज़ार चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंघा और चिंकारा हैं। इसके अलावा मोर जैसे पक्षी भी बहुतायत में हैं जो चीता के लिए आसान शिकार हैं। की टीम आ चुकी है कूनो पालपुर के उस गेट पर जहां से इस सेंचुरी की शुरुआत होती है, यहीं से यात्रियों की एंट्री होती है और अब हम अंदर जाएंगे जो कि यहां से 20 किलोमीटर पालपुर पड़ता है। वहां पर जाकर व्यवस्थाओं का हम भी जायजा लेंगे। हमारी प्रजातंत्र की टीम अंदर जा करके इन व्यवस्थाओं का जायजा लेगी क्योंकि 17 सितंबर को जन्मदिन प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और 8 चीतों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा और हम भी जाकर वहाँ का जायजा लेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के जनता के सामने रूबरू होंगे और बताएंगे।